हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन का डार्क साइड क्या है। तो डार्क साइड क्या होता है? जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास अच्छाई और बुराई का दोनों मिलन है, वैसे ही लाइट और शैडो का मिलन हमारे पास है। तो अब इसके साथ में हम क्या करते हैं, जो अच्छाई है हम लोगों को दर्शाना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं। और जब हमारे अंदर जो बुराई सामने आती है कोई भी इंसिडेंट पे, तो हम उसको चुप करना चाहते हैं, उसे छुपाना चाहते हैं, उसे हम शैडो सेल्फ कहते हैं। तो ये जो बुराई हमारे अंदर है, जो काफ़ी कॉमन है, वो लोग हम लोग वो चीज़ को छुपाना चाहते हैं, निग्लेक्ट करना चाहते हैं, बट ये समझते नहीं है कि वही साइड से हमारे सारे फियर्स, सारी चिंताएं आती है। और जिस इंसान ने वो फेस कर लिया, उसका मतलब कि उसकी चिंता काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बट इन सब बातों को छोड़ के हम देखेंगे कि आपके पर्सन का डार्क साइड, बुराई क्या है, क्या चीज़ है जो उन्हें ट्रिगर करती है, क्या चीज़ है जो इतनी अच्छी नहीं है सोसाइटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, जो उनके अंदर है। तो ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला है। मुझे लगता है कि कोई भी कनेक्शन के पहले, रिलेशनशिप के पहले, कई हद तक आपको उनका डार्क साइड देख लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो फॉल आउट होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्स होते हैं, वो इसी डार्क साइड की वजह से होते हैं, जो हम सब के अंदर है, लेकिन किसी किसी का बहुत ज़्यादा होता है, और किसी किसी की डार्क साइड बहुत हावी होते हैं दूसरे लोगों पर। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, कहाँ गया मेरा पाइल नंबर वन? ओके, तो ये है हमारा पाइल नंबर वन, ठीक है, ये बॉक्स। और ये है हमारा पाइल नंबर टू, जो है आर्कएंजल माइकल की छोटी सी स्टैचू। तो आप को इन दोनों में से पाइल नंबर वन और पाइल नंबर टू चूज़ करना है। क्या आपको ये पसंद आ रहा है या ये अच्छा लग रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है आपको, उस हिसाब से हम रीडिंग चालू करेंगे। सो गाइज, गो अहेड एंड प्लीज़ चूज़, अपना टाइम लो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है उनके बिहेवियर, उनके डार्क साइड के ऊपर। तो अंत तक देखना वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना। Please choose. Okay guys, I hope आपने choose कर लिया होगा अब तक। तो कोई देरी ना करते हुए let's see. Hello, my pile number one. अगर आपने choose किया है ये box, तो ये है आपकी reading. तो देखते हैं कि आपके person की dark side क्या है। Pile number one के person की dark side क्या है? My dear guardians, my dear ancestors. पाइल वन के पर्सन की डार्क साइड क्या है? ओके, पीछे दाल बन रही है, तो अगर आपको इसकी आवाज आ रही है तो इग्नोर करना। ओके, ओके, पाइल नंबर वन, जहाँ से मैं देख सकती हूँ कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, वो बेस्ट होने का काफ़ी बड़ा प्राइड अपने दिल में लेके घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को कंपटीशन, रनिंग, चेजिंग बहुत पसंद है, और कोई चीज़ उनकी हासिल करना उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्हें लगता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें बेस्ट रहना, बेस्ट चीज़ पाना, बेस्ट अपने साथ रखना बहुत पसंद है। इंसान को आउट ऑफ द क्राउड यूनिक बनना, दिखना और सबसे बेस्ट रहना, हर चीज़ में बेस्ट रहना, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लव भी, इनको ऐसा पर्सन चाहिए जो इनकी एनर्जी मैच कर सके, जो इनके बराबरी में हो। और दिस पर्सन विल ऑलवेज गो फॉर समवन हु इज़ गुड लुकिंग, हु इज़ वेरी यू नो, हु इज़ अट्रैक्टिव। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए मैटर बहुत करता है कि जो मेरा काउंटर पार्ट हो, मेरा पार्टनर हो, वो स्टैंड आउट करे, और कहीं ना कहीं वो उन्हें शो ऑफ भी करना चाहते हैं। तो एक हद तक ये पर्सन बहुत शो ऑफ ही है, शो ऑफ करना चाहते हैं, अपना बेस्ट, जो बोलते हैं ना कि ये बेस्ट चीज़ अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनको लगा कि यू आर नॉट द बेस्ट एनी मोर, तो ये आपको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो अगेन, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी ट्रिगरिंग, सच बोलना थोड़ा कड़वा होगा, तो सुन लेना, नहीं सुनना तो एग्जिट कर दो। तो कहीं ना कहीं जब तक आप बेस्ट रहोगे, जब तक आप फिट रहोगे, जब तक आप गुड लुकिंग रहोगे ना, ये पर्सन आपको बहुत अटेंशन और बहुत सारा, बोलते हैं ना, बहुत सारा अटेंशन देगा।
ठीक है। और जब तक आप डिफ़िकल्ट रहोगे, ये पर्सन को वो चीज़ें बहुत पसंद है जो ये हासिल नहीं कर सकते, जो ये पा नहीं सकते, जो मुश्किल से मिलती है, तो कहीं ना कहीं पर्सन इज़ अप फॉर अ चैलेंज, दे लाइक चेजिंग, ओके। चाहे ये लड़की हो या लड़का हो, दे जस्ट वॉन्ट द बेस्ट वन इन द क्राउड, दे वॉन्ट द बेस्ट लुकिंग पर्सन, द बेस्ट पर्सनैलिटी। अगर आपके पास कोई टैलेंट्स हैं, कोई भी चीज़ आप अच्छा करते हो, चाहे वो राइटिंग हो, आर्ट हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कुछ भी, तो ये वो चीज़ों से भी काफ़ी अट्रैक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि दे लाइक अ पर्सन हु इज़ लाइक गुड एट समथिंग। उनको ऐसा ही कोई सूखा, मतलब बहुत ही लूजर टाइप इंसान नहीं पसंद है। दे वॉन्ट समवन हु इज़ लाइक द बेस्ट इन द फील्ड, दे वॉन्ट अ मास्टर, दे वॉन्ट समवन कि जिसको लोग, अगर आपका कोई कंपटीशन है, उनका कोई कंपटीशन है, जैसे कि कोई और लोग जो आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, तो ज़रूर ये पर्सन उनमें से एक होंगे, क्योंकि उनको ऐसे लोग बहुत पसंद है जिनके पीछे लोग जाए। तो कहीं ना कहीं दे आर लाइक दे वॉन्ट समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ओके, बिकॉज दे फील कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। एंड इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो कहीं ना कहीं उनको ये चाहिए कि हर एक इंसान उन्हें बेस्ट माने, ठीक है, चाहे वो आप क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं ये इंसान ना मैनिपुलेशन बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये गलत भी है ना, ये इंसान आपको साबित करके रहेंगे कि कैसे आप गलत हो, ठीक है। उनकी गलती होगी सिचुएशन में, बट वो मैनिपुलेट ऐसा कर देंगे चीज़ों को कि आपको लगेगा कि ये तो सही है, मैं ही गलत हूँ। उसको हम कहते हैं गैसलाइट करना। तो गैसलाइट क्या होगा, उसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगी, गैसलाइटिंग क्या होता है। तो ये इंसान गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, ये सब करता है, और माइंड गेम्स तो बहुत खेलता है। जैसे कि मुझे पता है कि इस चीज़, अगर मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, तो ये पर्सन का ये रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो मैं वो चीज़ जानबूझ के करूँगा या करूँगी ताकि आपका एक रिएक्शन आए। मतलब शायद आपको जानबूझ के जेलस करना हो, या जानबूझ के आपको अपसेट करना हो क्योंकि आपने इसे अपसेट किया। तो ये गिव एंड टेक बहुत करते हैं, जैसे कि आपने इन्हें फील कराया, ये भी आपको फील कराएंगे। तो थोड़े से मीन हो सकते हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये पर्सन का पावर है मैनिपुलेट करना, अपनी चीज़ें करा के लेना। तो ये पर्सन ना बहुत कंट्रोलिंग है, इन्हें अपनी चीज़ें करा के लेना काफ़ी अच्छे से आता है, और इन्हें अपनी गलतियाँ छुपाना तो बहुत ही अच्छे से आता है। तो कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव हो जाते हैं, और इनकी गलती होती भी, इन्हें पता भी गलती है, तो इनके लिए माफ़ी मांगना थोड़ा जान पे आएगा, क्योंकि बोल भी देंगे, लेकिन इट विल नॉट बी ईजी, बिकॉज दे आर क्वाइट प्राइडफुल, ओके। दे फील लाइक द बेस्ट, दे वॉन्ट द बेस्ट, दे वॉन्ट द बेस्ट लुकिंग पर्सन, और यस, दे वॉन्ट समवन की जो ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, ओके, अगर ये मेल है। अगर ये फीमेल है, तो दे वॉन्ट समवन जो हैंडल कर ले सिचुएशन हमेशा। दे वॉन्ट कि चीज़ें कितनी भी ख़राब हो, उनको तो ये भी चाहिए कि आप उनके लिए फाइनेंशियली प्रोवाइड करो। अगर आप ये वीडियो मेल हो देख रहे हो, तो फिर उनकी फ़ीमेल चाहती है कि उनके लिए फाइनेंशियली प्रोवाइड करो आप, और ताकि उन्हें कुछ करना ना पड़े। और अगर आप फीमेल देख रही हो, तो दे वॉन्ट कि यू सरेंडर टू हिम, यू लेट हिम डोमिनेट यू, ओके, क्योंकि ये चीज़ें उनको आपके ऊपर रखेगी, और जो चीज़ आपके ऊपर उनको रखेगी, वो चीज़ उन्हें काफ़ी पसंद है। दे लाइक टू फील गुड अबाउट दम सेल्फ, बिकॉज या तो इस पर्सन में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, या तो बहुत लो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो लो कॉन्फिडेंट वाला इंसान होता है ना, वही बार बार चाहता है कि वो किसी के ऊपर पावर जताए, ताकि उन्हें यकीन हो कि उसमें कुछ खास है। तो या तो इनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बहुत लो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट, अपीयरेंस वाइज जज करना लोगों को, ये सारी चीज़ें इनमें काफ़ी स्ट्रांगली है। ये पर्सन जेलेसी को भी एज अ स्पोर्ट लेते हैं। अगर ये जेलस हो रहे हैं, तो दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन यू, बिकॉज दे, एज आई सेड, दे लाइक चेजिंग, दे लाइक थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट। अगर आप बहुत ईजी हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का आगे जाके इंटरेस्ट लूज हो सकता है, क्योंकि दे वॉन्ट द बेस्ट, दे वॉन्ट चैलेंज, दे वॉन्ट डिफिकल्टी, बिकॉज इस पर्सन के पास सब कुछ है, दे जस्ट नीड सम चैलेंज, दे जस्ट नीड सम स्पार्क, ठीक है। वो चीज़ों में ये इंसान स्पार्क देखता है। ये अपने आप को पहले बचाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, ये प्यार में भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी सेफ्टी बराबर रखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई रिस्की प्लेस में हो, अगर आप सीक्रेट अफेयर में हो, समझो चीज़ बाहर आ जाती है, सब आपके ऊपर थोप सकते हैं सब कुछ, या फिर ये पहले खुद बचने का देखते हैं। और प्यार में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, बट ये पर्सन पहले अपना सोचते हैं, पर्सन थोड़ा सेल्फिश है, ठीक है। सो जब तक वो ठीक है, जब तक उनकी चीज़ें ठीक है,
तब तक वो चीज़ें करेंगे जब उनके ऊपर खतरा आता है, जब कुछ उनकी हरकत उनके ऊपर बैकफायर करती है, तब ये बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे और तब वो बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। आप इनके पेरेंट्स या इनकी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे ये अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आगे है, लेकिन वही चीज़ किसी और को देने में बिल्कुल पीछे। तो ये बहुत डिफेंसिव है अपनी चीज़ों को लेके, अपने लोगों को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने काम को लेके, अपने पैसों को लेके, लेकिन वो चीज़ वो रिस्पेक्ट वो दूसरों को नहीं देना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर है इनका, और ये चीज़ें थोप सकते हैं किसी और के ऊपर और भाग सकते हैं। जैसे कि ये भाग तो रहे नहीं है फोटो में, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर भी पॉजेसिव लग रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। अगेन एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि हो सकता है ये सच में अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉजेसिव हो। इनका डार्क साइड ये भी हो सकता है कि ओवरली पॉजेसिव, मतलब हर चीज़ को पिक करना, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ बोलना, टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करना। बट इससे भी ज़्यादा मुझे ये लगता है कि पर्सन अपने स्पेस को लेके भी बहुत प्रोटेक्टिव है, उन्हें अपना स्पेस चाहिए, अपने लोगों को लेके है, पर वो चीज़ वो खुद नहीं करते दूसरों के लिए, पर वो एक्सपेक्ट करते कि लोग उनके लिए करें। तो ये थोड़े से डबल स्टैंडर्ड्स भी इनके हो सकते हैं वैसे मायने में कहीं ना कहीं। ये बहुत स्टबर्न इंसान है, इनको अगर कोई कनेक्शन चाहिए तो वो गेट ओवर नहीं कर पाएंगे, वो रोते रहेंगे पिटते रहेंगे, लेकिन वो उस चीज़ से हट नहीं सकते। और हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा प्यार में इमोशंस में चले जाए कि कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आएगा कि वो इमोशंस में आपको हर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा बहुत ओवरली पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि ईविल होने के बहुत चांसेस हैं इनके कि यू आर माइन, यू के नॉट टॉक टू दिस पर्सन, यू कैन नॉट डू दिस, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, यू हैव टू लिसन टू मी बिकॉज आई केयर फॉर यू, दिस एंड दैट। मतलब प्यार की भावना में आप मतलब कुछ भी करा दो इंसान से, कुछ भी, ठीक है। तो अगर इनकी चीज़ किसी और को मिल गई ना, इनका दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा, और ये रिवेंजफुल भी बहुत है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इनके सामने कुछ ऐसी हरकत की जो इन्हें पसंद नहीं है, तो ये सेम चीज़ आपके साथ करेंगे। ये रिवेंजफुल बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत स्टबन इंसान है, बहुत स्टबन। जैसे कि मैंने कहा, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये फर्स्ट बेस्ट होने का जो बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ भी आता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है ये इंसान। अगर आप किसी और के साथ, जेलस तो आता है उसके साथ में, लेकिन ये मोस्टली इनके सेल्फिश बिहेवियर को प्रेस करना हो गया कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ। जब कोई कंपटीशन आ जाता है जहाँ से वो हार जाते हैं, तो वो और आपको चेज करेंगे और आपको पैम्पर करेंगे कि आपके लिए नहीं होगा, लेकिन ये इनके सेल्फिश चीज़ों के लिए, सेल्फिश प्रेस के लिए होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्टबन एनर्जी है। अगर आपने कोई चीज़ इनको देने से मना कर दी, तो इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर, जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन बहुत मास्टर मैनिपुलेटर है। तो चीज़ें घुमाना इनका फितरत है, अब जो इनको चाहिए ये कैसे भी लेंगे, यही इनका डार्क साइड है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बिकॉज हो सकता है जो चीज़ ये मांग रहे हैं आपको नहीं देनी हो, यू डोंट वांट टू गिव इट बिकॉज यू डोंट फील इट इज़ राइट और दिस एंड दैट, आपके भी तो रीजंस है। दे विल नॉट वैल्यू देम, दे विल लुक आफ्टर देमसेल्व्स फर्स्ट। वो अपने नीड्स का टेक केयर करेंगे, अपने लोगों का, उनके ब्लड रिलेशंस उनके लिए पहले आते हैं, उनके पीपल जो उनके साथ में हामी भरते हैं वो उनके लिए पहले आते हैं। कहीं ना कहीं इफ़ यू आर वन ऑफ देम, देन येस दे विल टेक केयर ऑफ यू, येस दे विल लुक आफ्टर यू, बट यू हैव टू बी देयर येस मैन, लाइक हाँ आप सही बोल रहे हो, येस यू आर राइट, येस, बिकॉज दैट विल जस्ट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड ईगो एंड दे लाइक इट सो मच। हो सकता है ये सन साइन हो, लियो वगैरह फायर साइन हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लियो फायर साइन आ रहा है, लियो ही नहीं कोई भी फायर साइन, एरीज भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है, और वाटर साइन, ठीक है। तो इनमें इमोशनल डोमिनेंस भी बहुत ज़्यादा है और मैनिपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इमोशनल डोमिनेंस से मेरा क्या मतलब है, मतलब कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना, ठीक है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना, इमोशनली आपको फंसा देंगे, इमोशनली आपको अपनी हर गलती पे एक इमोशनल एंगल लेके आएंगे, और उनको पता है उनको क्या चाहिए क्या करना है, दे जस्ट नो इट एंड दे विल मेक यू देयर पॉन। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप इस चीज़ से कैसे डील करते हो। कम्युनिकेशन का बहुत घटिया हो सकता है, या फिर बहुत मीन,
वेरी मीन. आई फील लाइक इनको लोगों से बात करने की अक्कल नहीं है. कभी कभी अच्छा बात करते हैं, जैसे कि देर इज सम कंपैशन, बट दे डोंट नो, दे आर वेरी रूड. इधर दे आर रूड टू देयर फैमिली, देयर मदर. हो सकता है अपनी माँ से रूडली बात करते हो. माँ से नहीं तो किससे रूडली बात करते हैं उनको बात दे. यस मॉम, मॉम और सम फैमिली मेम्बर. तो एक उनका डार्क साइड ये भी है कि उनकी ज़बान पे चीज़ें आ जाती है जो भी इनके दिमाग में चल रही है. तो अगर आपको ऐसे लोग बोलते हैं ना, इंसान गुस्से में कुछ भी बोलता है, तो नहीं, इनके साथ में गुस्से में सिर्फ सच बोलते हैं. एंड दे आर वेरी चाइल्डिश, वेरी इमेच्योर विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं. इनको बस मज़ा चाहिए, इनको बस फन चाहिए. ये कुछ कमिटमेंट देने लायक नहीं है, क्योंकि इनको चीज़ों से भागना आता है, इनको कड़वी बातें बोलनी आती है, इनको ब्लेम करना आता है. बट जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझदारी वाली जो बातें आती है, ये पर्सन वहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि इट इज़ गुड फॉर देम. जब तक चीज़ें फन है उनके लिए, जब तक चीज़ें उनके लिए हो रही है, तो वो सब अच्छा है. लेकिन जैसे ही उनको अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें आती है, तो वहाँ से वो एस्केप कर लेते हैं. तो और क्या क्या आ रहा है, व्हाट एल्स. ये पर्सन का जो, माय गॉड, ये पर्सन काफ़ी लोगों की लाइफ झंड कर चुके हैं, काफ़ी ख़राब कर चुके हैं. काफ़ी इनके एक्स इनके बारे में गलत बोल सकते हैं, काफ़ी फैमिली मेम्बर्स बोल सकते हैं कि इंसान कितना टेरेबल है. इस इंसान ने चुपके से कुछ धोखा दिया हो या फिर कुछ किया हो, टॉक्सिसिटी फैलाई हो. इनके, इनका जो डार्क साइड है ना, वो इनके पैरों के नीचे है. देखो, इनका डार्क साइड ये, इनका डार्क साइड है तबाही. देयर डार्क साइड इज़ डिस्ट्रॉइंग द पीपल्स लाइफ, ओके, डिस्ट्रॉइंग द पर्सन्स लाइफ. सो कहीं ना कहीं इनका डार्क साइड हो सकता है इनकी एडिक्शन हो, कोई जो एडिक्शन इन टाइप्स की स्मोकअप, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एनी सॉर्ट ऑफ दोज ड्रगी हैबिट्स. उसके साथ साथ सेक्स एडिक्शन, इस पर्सन को सेक्स एडिक्शन हो सकता है. काफ़ी रिश्ते उन्होंने हो सकता है तोड़े हो, या फिर काफ़ी अनएथिकल चीज़ें की हो, इल्लीगल बिजनेस किया हो. कुछ तो इनका डार्क साइड इज़ रिलेटेड टू एडिक्शन, रिलेशनशिप तोड़ना और इल्लीगल बिजनेस. कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो काफ़ी शेडी और काफ़ी डार्क है. इनके माइंड में डिस्ट्रक्शन के ख्याल बहुत आते हैं. जब भी ये इंसान इंसान को डिस्ट्रॉय करने का हैबिट नहीं बोल सकते, बट उनका जहाँ, मतलब जहाँ पे उनका अटेंशन और लव जाता है ना, कहीं कहीं उनका डार्क साइड बहुत हावी हो जाता है और चीज़ को तबाही में क्रिएट करता है. इनका एक साइकिल रहा है जहाँ पे ये अब तक सीखे नहीं है कि चीज़ों को कैसे डील करना है. और जब भी ये कोई कनेक्शन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक पार्टनर बन के निकलते हैं, टॉक्सिक पर्सन बन के निकलते हैं. काफ़ी फैमिली मेम्बर्स भी इनके बोलेंगे कि कहीं ना कहीं इनकी एक बहुत टॉक्सिक हैबिट है, झगड़े करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, एडिक्शन की गंदी आदत है, बातें ना सुनने की, रूडली बात करने की. तो फिर एक डार्क साइड आपको ज़रूर कोई ना कोई इनके पास्ट में या फिर इनके करंट फैमिली मेम्बर कोई तो कुछ बोलेगा कि इनकी ये हैबिट है. तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी ओपन में भी है. हो सकता है इनकी फैमिली जानती हो कि इनकी ऐसी बैड हैबिट है, सेक्स एडिक्शन हो सकता है, सब्सटेंस एडिक्शन हो सकता है, झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. इट इज़ लिटरली समथिंग वेरी डार्क, ओके. या तो ये पर्सन दूसरों पे स्पेल वर्क कराते होंगे, या फिर बैड इंटेंशंस रखते होंगे लोगों की तरफ, काफ़ी जेलस, क्योंकि ये पर्सन में नॉलेज वगैरह है, नॉलेज वगैरह भी बहुत नॉलेजेबल इंसान है. लेकिन कहीं ना कहीं ये जिसको नहीं पसंद करते ना, दे विश वेरी बैड ऑन देम. लाइक कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है उस चीज़ की. मतलब एक चीज़ है कि आप किसी के लिए बुरा फील करते हो या फिर किसी को बुरा मानते हो, पर उसके लिए इतने गंदे घटिया इंटेंशन रखना इज़ वेरी रॉन्ग. बिकॉज कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ है कि आप सोच रहे हो कि वो कोई और मरेगा वो चीज़ से, बट आपको पता नहीं कि आप वो गंदे इंटेंशन से खुद को मार रहे हो. इट इज़ लाइक अ पॉइजन यू आर हैविंग एंड यू आर विशिंग कि कोई और मर जाए.
ये जो गंदे इंटेंशन, गंदे ख्याल है उनके लोगों को लेके, ये उनको अंदर अंदर मार रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं किसी की भी लाइफ में जब जाते हैं। अगर ये पर्सन से आप डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने भी एक बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन वाला पीरियड देखा होगा, जहाँ पे आपको डिस्ट्रॉयड फील हुआ। हो सकता है कि आपको कई बार ऐसे लगा कि मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, मुझे जाना है, मुझे बहुत डिस्ट्रॉय करने का अपने आप को ख्याल आया होगा। क्योंकि ये पर्सन की जो बिहेवियर है ना, वो एक इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इतनी डार्क साइड है इनकी, खतरनाक। ये धोखे, हो सकता है कि ये इंसान जीतने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, इनके प्राइड के लिए काफ़ी लोगों की कुर्बानी या फिर काफ़ी धोखे वगैरह देने में काफ़ी हो सकता है कि आगे हो। ये बस वो सुपीरियर फील करना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं। बट होता है ना, एक कंपटीशन में अगर आपको जीतना है, एक एथिकल वे होता है और एक अनएथिकल वे होता है। तो ये कोई भी वे, कोई भी तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी चीज़ें करवाने के लिए, वो आगे वाले इंसान का थॉट रखते ही नहीं है, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाते कि वो इंसान क्या फील कर रहा है। ये थोड़े नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं। नार्सिसिस्टिक मतलब वही इंसान जो रिलेट नहीं कर पाता। आप बोलो कि आप हर्ट हो उनके एक्शन से, वो बोलेंगे क्या, पर मेरा क्या तो मेरा क्या, मैं भी तो हर्ट हूँ, पर गलती उनकी होगी। आप समझ रहे हो, इस इंसान को नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ उन्होंने कैसे किसको क्या हर्ट किया है, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाते। उनके लिए उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, उनके लिए उनका जीतना या आर्ग्यूमेंट में जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें होते हुए भी नज़रअंदाज करना, अगर आप इस पर्सन से रोमांटिकली कनेक्टेड हो तो ये पर्सन को पता है कि ये चीज़ हो रही है, बट वो हमेशा चाहेंगे कि आप पहले आओ या आप एफर्ट्स करो, आप मेहनत करो, बिकॉज फॉर देम दे डोंट वॉन्ट टू डू इट, दे फील कि दे आर नॉट रेडी, सो दे वुड रादर वॉन्ट कि कोई और चीज़ें करे, कोई और हार्डवर्क करे। और वो होप्स देंगे आपको ज़रूर, फिर जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा उन्हें, और वो चीज़ होगी नहीं कभी। इमेच्योर पर्सन, वेरी इमेच्योर, इमेच्योरिटी में, एक्साइटमेंट में चीज़ें गलत करते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, और ये एक इमेच्योर पर्सन की एनर्जी है। क्योंकि एक मेच्योर पर्सन कहीं ना कहीं दुनिया देख चुका होता है, उन्हें समझ होती है चीज़ों की कि ये चीज़ कैसे दूसरे को अफेक्ट करेगी या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो इस पर्सन में ज़ीरो है। ये पर्सन अपने एक्शंस बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाता कि वो कैसे दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, तो वो कैसे सिंपथाइज करेगा आपसे, कैसे बोलेगा आई एम सॉरी, वैन उनको लगता ही नहीं कि उनकी कोई गलती है। आप समझ सकते हो, उनको लगता ही नहीं कि उनकी कोई गलती है या कोई गलती हो सकती है। भाई ये पर्सन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स, ये अपना खुद का सर्कल बना के रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सबसे ऊपर मानते हैं या ऊपर मानना चाहते हैं। अगेन इट कम्स फ्रॉम इधर लो सेल्फ कॉन्फिडेंट एनर्जी और वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, ठीक है। हो सकता है आप और ये पर्सन के बीच में डिस्टेंस हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, हो सकता है आप दोनों अलग जगह रहते हो, दूर रहते हो, या फिर रोज़ मिलते नहीं हो, या फिर रोज़ बातचीत नहीं होती, बातचीत होती है तो फिर भी मिलना नहीं होता। कोई डिस्टेंस वाली एनर्जी है ये, दूर हो सकता है आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। ये पर्सन की एनर्जी हो सकता है बहुत लेज़ी भी है, उनको पता है उनको क्या करना है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, पर उनको उसके लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करनी। दे वॉन्ट कि कुछ मैजिकली हो जाए, कुछ सरप्राइजिंगली हो जाए, कुछ उनके फेवर में हो जाए, लेकिन उसके लिए इनको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दे जस्ट वॉन्ट टू रोम अराउंड विथ बैड पीपल डूइंग बैड थिंग्स। कोई अपने आप को हेल्प करने वाली एनर्जी नहीं है, अपने ऊपर पिटी करने वाली एनर्जी है। सॉरी, मेरा डॉग अभी वॉक करके आया ना, तो इसलिए वो हाँफ रहा है। कुछ भी होता है, कभी दाल की सीटी बज रही है, कभी क्या। ये इंसान थोड़ा कोल्ड है, इन दे आर नॉट इन टच विद देयर फीलिंग्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स समझ नहीं पाते किसी और की, कभी कभी अपनी खुद की, कि ये क्या फील कर रहे हैं। काफ़ी नम इंसान है, दिल से नम इंसान है,
पैसों की दिक्कत हो सकती है इनको, लेकिन उनको उसके लिए कमाई नहीं करनी, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाने के बाद उसे, दिमाग लगा भी लिया, सही चीज़ सोच भी ली, दिमाग है, दिमाग बहुत ज़्यादा है, बट लगा भी लिया, सोच भी लिया, तो मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में बस सोचते रहना, अपने तक रखना है, कुछ काम एनर्जी कुछ एफर्ट्स नहीं। जज करना लोगों को बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनके एक्शंस, उनको अपनी गलती नहीं दिखती क्योंकि वो देख ही नहीं पाते, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, दूसरे को जज करते हैं कि तुमने ऐसे किया, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बट मैं जो कर रहा हूँ, मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन ही, जब इंसान के सामने एक आईना हट जाता है तो वो इंसान बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि फिर वो इंसान सिर्फ आपकी गलतियाँ निकालेगा और आपको तो पता है कि आप में ये चीज़ है, तो वो बोल तो सही रहा है लेकिन उसका क्या, उसको आईना कौन दिखाएगा, क्योंकि उसको आईना देखना ही नहीं है। ये पर्सन हर चीज़ टाइम पे छोड़ देते हैं कि टाइम देखेगा, टाइम करेगा, टाइम देखेगा। अरे टाइम कैसे कुछ करेगा जब तुम कुछ नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी, जो पेशेंस लगेगी आपको, वो कई हद तक काफ़ी लेजी एनर्जी है, क्योंकि आप उनको एफर्ट्स नहीं डालना, ठीक है, कुछ एफर्ट्स नहीं डालना, चाह बहुत होगी चीज़ों की, चाह बहुत होगी लेकिन एफर्ट्स नहीं डालना, इंस्टेड अपने सिचुएशन को, लोगों को, सब चीज़ों को जज करना है। Now let's see what else, क्या है उनका डार्क साइड, और क्या डार्क साइड है उनका। और क्या डार्क साइड आ रहा है, गिरी क्या, ओके। इनको लगता है कि ये जज है, दे आर द जज, ठीक है, और जज दूसरों को सजाए देता है, ठीक है। उनको लगता है कि उनकी, जैसे कि मैंने कहा कि दे आर लाइक, दे आर देयर टू टीच यू समथिंग, दे आर देयर टू शो यू द मिरर, ठीक है। ये को क्रिएट नहीं कर सकते कोई भी चीज़, पार्टनरशिप में इनसे होगी नहीं, और इनसे बातें बहुत कड़वी क्योंकि करते, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में बिजनेस हो या फिर एक रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली में कोई चीज़ साथ में करनी हो, तो ये नहीं हो पाएगा इनसे, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को थोड़ा ऊपर ही मानेंगे लोगों से। ये कभी झुकते नहीं है, ये कभी झुकते भी है सॉरी भी बोलते हैं, दे जस्ट डू इट इन द सेक ऑफ डूइंग इट और गेटिंग रिड ऑफ द प्रॉब्लम। पर दिल से कभी सॉरी मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आज तक बोला है। दे जस्ट फील जज, मतलब बहुत ज़्यादा जज करने वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा लोग को जज करते हैं और ये इनका अच्छा साइड नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है, हर हमेशा जो बुरा होता है उसको कोसना और अच्छे पे ध्यान ना देना, देखना कि उन्होंने क्या चीज़ें खोई है, पर जो चीज़ है उसके ऊपर तो ध्यान भी नहीं है, तो नो ग्रैटिट्यूड, लेस ग्रैटिट्यूड, जिस वजह से इनके लाइफ में मुसीबतें आती है। व्हाट एल्स, इनको लगता है कि ये आज़ाद है और ये आज़ादी में वो कुछ भी कर सकते हैं। इनका हर टाइम का एक ही एक्सक्यूज़ होगा कि मैं थोड़ी ना उसके कनेक्शन में हूँ, या फिर मैं, हम थोड़ी ना रिलेशनशिप में हैं, हम थोड़ी ना बंधे हुए हैं, मैं आज़ाद हूँ, आई एम फ्री टू डू वॉट एवर, आई एम फ्री टू डू दिस, आई एम फ्री टू डू दैट, आई एम अ फ्री ह्यूमन बींग, वाई शुड आई केयर और वाई शुड आई गिव अ फक। सो दिस इज देयर एनर्जी, वेरी प्राइडफुल, बोलना कि मैं तो आज़ाद हूँ ना, आई कैन मेक माई चॉइसिस, मैं तो आज़ाद हूँ, आई एम फ्री टू डू वॉट एवर। सो दैट इज द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। What else is coming? हो सकता है ये पर्सन घर में भी मदद नहीं करते, काम अगर वो कर भी रहे हैं तो हो सकता है गुड अमाउंट ऑफ मनी दे कीप टू themselves, थोड़ी सेल्फिश एनर्जी आ रही है, देने की कम और लेने की ज़्यादा आ रही है। हो सकता है इनकी मॉम की तबीयत भी ख़राब हो, मम्मी की तबीयत ख़राब हो, घर में किसी की तबीयत ख़राब हो और वो पर्सन को इतना टेंशन नहीं दे रहे हैं। इनको पता है कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे वो नहीं जा रहे हैं, पर वो फिर भी वही चीज़ कर रहे हैं,
क्योंकि उनमें उनका क्या है, फ्रीडम, जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये फ्रीडम एक कनेक्शन के लिए हार्मफुल नहीं है, जो रिलेशनशिप कनेक्शन रोमांटिक उसके लिए हार्मफुल नहीं है, ये उनके परिवार के लिए भी हार्मफुल है। बिकॉज ये हमेशा सोचेंगे कि आई एम फ्री टू डू दैट, तो मैं क्यों करूँ, मैं अभी क्यों एडजस्ट करूँ जब आई एम फ्री। ठीक है, तो हो सकता है इनकी मॉम की तबीयत ख़राब हो, और अगर ये फीमेल है तो हो सकता है ये थोड़े डार्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो। अगर आप किसी फीमेल के बारे में पूछ रहे हो तो ये पर्सन ज़रूर डार्क मैजिक करता है, ठीक है, ज़रूर, शत प्रतिशत। मेल भी हो तो हाँ, कई हद तक मुझे लगता है उनकी इतनी चाह रहती है ना चीज़ों को पाने की कि दे हैव द केपेबिलिटी टू डू समथिंग डार्क। तो इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग कि ये पर्सन ने क्या मुझ पर कोई डार्कनेस डाली है, या फिर डार्क एनर्जी ये यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी और पे करते हैं, तो इसका येस मैं बोलूँगी कि इट इज़ अ येस, दे डू दैट, येस दे डू दैट, बिकॉज येस दे डू दैट डार्क मैजिक। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो पाइल वाले हैं उनमें से कोई करता होगा। दे हैव गुड स्पिरिचुअल नॉलेज, हो सकते हैं पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो या जो भी हो, इनके पास कुछ चीज़ें हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिससे वो चीज़ों को हासिल करते हैं ज़रूर। ये पर्सन के पास बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन पावर है, इस वजह से वो जो भी सोचते हैं कई हद तक सच हो जाता है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ मैजिक ही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इसके पास जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर एक मैनिफेस्टेशन भी, एक डार्क मैनिफेस्टेशन मैं बोलूँगी कि वो होती है इनके तरफ से कि ये हो जाए, वो हो जाए, और इतनी स्ट्रांगली वो चीज़ डिज़ायर करते हैं कि वो हो जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ लाइक मैजिक, कोई तो तरीके की मैजिक एनर्जी लग रही है मुझे जो ये पर्सन करते हैं ज़रूर। What is dark in this person? Okay. मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड जरूर आ रहा है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत, मुझे लगता है, सच में स्पिरिचुअल है। अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो इनके पास कुछ तो नॉलेज है कि वो लोगों से अपना काम करा के लेते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है इनके सच में फैमिली में एक फीमेल बीमार हो, या फिर उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई हो रिसेंटली, पर कहीं ना कहीं उनकी जो बहुत हीलिंग पावर आ रही है उनकी ग्रैंड मॉम से आ रही है, तो उनकी ग्रैंड मॉम के साथ क्या कनेक्शन है आप देख लेना। कोई तो मदर एनर्जी उनके पीछे है, कोई तो जो उन पहले दो चीज़ें आ रही है, एक मदर एनर्जी है जो काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है, काफ़ी टॉक्सिक है। दूसरी मदर एनर्जी है जो हो सकता है पास अवे हो गई है, और उनके तरफ से उनको हीलिंग आ रही है। लेकिन देर इज़ सम वुमेन एनर्जी जो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में है तो उनकी फीमेल इज़ द प्रॉब्लम, फीमेल इज़ डूइंग डार्क मैजिक, आई कैन गारंटी यू शत प्रतिशत। वो हो सकता है जिनके वजह से इनका डार्क साइड और भी इग्नाइट हो रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। देर इज़ सम फीमेल इन्फ्लुएंस, इधर इट इज़ द मदर इन्फ्लुएंस और अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। और इफ़ दिस इज दिस पर्सन दैट यू आर आस्किंग अबाउट इज़ फीमेल, और आप एक लड़का ही वीडियो देख रहे हो, तो ये मेल हो सकता है, ठीक है। जो भी है, देर इज़ थर्ड इन्फ्लुएंस विच इज़ हैम्परिंग द डार्क साइड। इनका डार्क साइड है, लेकिन ये डार्क मैजिक की वजह से ये और भी ज़्यादा बाहर आ रहा है, और भी ज़्यादा हावी हो रहा है, क्योंकि कुछ तो डार्क प्रैक्टिसेस इन पे भी हो रही है। अगर नहीं है तो ये इंसान कर सकते हैं, ठीक है। वैसी जो दो चीज़ें आ रही है, ठीक है। सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। So take care, love you, bye bye, see you in the next video. Hello my dear pile number 2, अगर आपने choose किया है ये आर्कएंजल माइकल की स्टैचू, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन का डार्क साइड क्या है, एंड येस लेट्स सी, हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल नंबर 2 प्लीज। फाइल नंबर 2 के पर्सन की डार्क साइड क्या है? फाइल नंबर 2 के पर्सन की डार्क साइड क्या है?
यू कैन स्किप दिस पार्ट अगर आपको डायरेक्ट शफलिंग देखनी हो। डार्क साइड बोलते ही डेविल आ गया। ओके, डेफिनेटली अ ह्यूज डार्क साइड जो करेंटली आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। अगर आपका कनेक्शन कोई चीज़ से अफेक्ट हो रहा है तो ये उनकी डार्क साइड की वजह से ही हो रहा है। सो दिस वॉज अ मेजर कन्फर्मेशन, डार्क साइड, डेविल, शैडो, डेविल, कन्फर्मेशन दैट एवरीथिंग जो आप फेस कर रहे हो इस पर्सन के साथ ये उनका डार्क साइड ही है। मेजर कन्फर्मेशन कुड बी देयर चेंज टू समथिंग, चेन टू समथिंग, हो सकता है थर्ड पार्टी हो या एडिक्शन हो कोई उनकी, उनकी कोई एडिक्शन हो किसी चीज़ को लेके, सेक्स एडिक्शन भी हो सकती है, सब्सटेंस एडिक्शन भी हो सकती है, स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है, उनको ड्रिंकिंग की हैबिट हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ दिखती है या शादी दिखती है, हो सकता है शादी में हो, एक मैरिज में हो, बट ये उनकी डार्क साइड की है तो फिर डेफिनेटली मेजर डार्क साइड, दिस मेजर डार्क साइड। और क्या प्लीज़ बताइए मुझे और क्या डिटेल्स। ओके, ये मेजरली अपने डार्क साइड से भाग रहे हैं, बहुत मेजरली। इनका डार्क साइड क्या है? इंटरेस्टिंग, जब कोई चीज इन्हें मिल जाए तो इन्हें कदर नहीं होती वो चीज की। दे ऑलवेज रूइन समथिंग गुड, दे ऑलवेज रूइन समथिंग गुड। चीज़ें अच्छी होती है बट वो अच्छाई इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होती? ब्लेसिंग में भी ये भाग जाते हैं। लाइक यू कमिंग इन टू देयर लाइफ इज अ सोलमेट कनेक्शन और इज अ डिवाइन कनेक्शन। और अगर आप नहीं पूछे रोमांटिक पार्टनर के बारे में कुछ भी अच्छी चीज़, दे रन, दे डोंट रियलाइज और वॉट की उनकी ब्लेसिंग है। लाइक यू आर अ डिवाइन पर्सन, इनके पास एक गिफ्ट आया है, ठीक है, ये उनकी डार्क साइड की बात हो रही है, ये उनके पास एक गिफ्ट आया है फ्रॉम द डिवाइन एंड लुक व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लाइक रनिंग फ्रॉम इट एज इफ व्हाट, इट इज़ योर गिफ्ट, इट इज़ मेंट टू हील यू, इट इज़ मेंट टू टेक केयर ऑफ यू, व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग। द डार्क साइड इज they don't feel capable of good things, they feel very insecure, they feel so insecure, they don't feel like they are worth anything. I don't know किसने उनको ऐसा feel कराया है, but उनको लगता ही नहीं कि वो किसी चीज़ के काबिल भी है। अच्छाई से भागना, अच्छी चीज़ों से भागना, क्योंकि उनको डर लगता है, इनसिक्योरिटी बहुत सारी है इनकी बॉडी इमेज को लेके, हो सकती है उनको अपनी चीज़ें कुछ पसंद नहीं है, कुछ इश्यूज हैं इनको लगता है इनमें। दे डोंट लाइक देमसेल्व्स, दे डू नॉट, दैट इज व्हाई इट इज़ प्रोजेक्टिंग ऑन टू यू एंड योर कनेक्शन, बिकॉज दे डोंट फील गुड पॉजिटिव अबाउट देमसेल्व्स, देयर बॉडी, देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन, दे जज देमसेल्व्स, दे डोंट फील कि वो कुछ भी अच्छी चीज़ के लिए रेडी है। पहले तो रेडी से ज़्यादा, रेडी तो इज़ लाइक अब एक्सक्यूज, दे डोंट फील वर्दी, दे डोंट फील वर्थ इट, दे फील छोटा। हर अगर ये बड़ी पोजीशन में भी ना इंसान ये छोटा फील करता है, छोटा, दे डोंट लाइक दैट फीलिंग लेस, बट दे फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड लेस। इमोशंस इसके इनके लिए हमेशा एक इशू बन के आए हैं, ठीक है, especially in terms of love, they don't feel capable good enough or like they can satisfy you, maybe in terms of sexual as well as emotionally। और मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें cover up होती हुई दिख रही है, जैसे कि उनको शायद communication में अपनी expression का issue हो सकता है, चीज़ें जो feel करते हैं बोल नहीं पाते और उनको लगता है कि वो कितने बेवकूफ़ है इस मैटर में। तो बहुत अंधेरा लग रहा था मुझे तो मैंने लाइट ऑन कर दी। बट यार टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन,
ये पर्सन को छोटा फील होना पसंद नहीं है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो सिचुएशन से निकाल देते हैं जहाँ पे इनको छोटा फील होता है, पर इनको ये समझ नहीं आता कि जो छोटा इनको फील होता है, इनसिक्योर फील होता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, ये उनकी खुद की वजह से होता है, ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है जो वो खुद देखते हैं अपने अंदर। ये किसी ने उनको बोला नहीं है, किसी ने उनको फील नहीं कराया है, ये उनका डार्क साइड है, ये उनका इनसिक्योरिटीज़ भरा साइड है जो इमोशंस और रोमांटिक पार्टनर्स के बीच में आपको फील होगा अगर आप एक इनके एक्स रह चुके हो या फिर कुछ आपने कनेक्शन शेयर किया इनके साथ, आपने कोई इनके साथ कनेक्शन शेयर किया है, यू जस्ट वॉच कि ये पर्सन की थोड़ी हरकतें आउट ऑफ इनसिक्योरिटीज ज़रूर दिखेगी आपको इफ़ यू हैव द विजन फॉर दैट। आप देख सकते हो कि ये पर्सन अपने आप को सिचुएशन से निकालते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स भी, इनके फ्रेंड्स भी ये चीज़ जानते हैं शायद से। सी इनका और डार्क साइड क्या है, वट इज़ देयर डार्क साइड। तो बेसिकली अभी तक मुझे लगता है हाँ, तो इनका डार्क साइड ये भी है कि ये हमेशा राइट होना चाहते चीज़ों के बारे में, ओके, एंड दे के नॉट सी अनफेयर, ठीक है, वो अनफेयर नहीं तो नहीं देख सकते, बट वही अपने आप को काफ़ी स्ट्रिक्ट पोजीशन में डालते हैं ये चीज़ों को लेके, क्योंकि वो खुद अपने साथ कुछ इनजस्टिस करते हैं, ठीक है। वो ऐसे पर्सन है कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, थोड़े अनरोमांटिक हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर इमोशंस से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि रोमांस के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लगता है और इस पर्सन में वो चीज़ नहीं है। और ये हमेशा ट्रस्ट इशू वाले पर्सन को लगता है कोई ज़रूर इनको कभी धोखा ही दे रहा होगा या कुछ गलती कर रहा होगा, मेरे साथ तो यही होता है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ यू। अगर आप इसके साथ एक कनेक्शन भी शेयर करते हो इस पर्सन के साथ में, तो ये एक बोर्डम में भी क्रिएट हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, ठीक है। और इनका डार्क साइड ये है कि इनको जो लगता है सही वही सही, ठीक है, दे फील लाइक दे नो इट ऑल, ठीक है, उनको सब पता रहता है, उनको सब पता है, और आप जो भी बोल रहे हो वो गलत है, वो रॉन्ग है, आप इमेच्योर हो, आप बेसलेस हो, आपकी बातों का तो कुछ हाथ पैर भी नहीं है, और दे आर राइट बिकॉज दे फील लाइक उनको सब पता है, दे आर वेरी नॉलेजेबल। हो सकता है कि इनको लोगों ने बोला भी हो कि यू आर वेरी नॉलेजेबल और यू आर वेरी स्मार्ट, बट वो चीज़ को शायद इन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया, बिकॉज उनको ये लगता है कि आगे वाला जो बोल रहा है ना वो तो बस फालतू चीज़ें बोलता है, चाहे आप अपनी कनेक्शन में भी क्यों ना हो, दे वुड ऑलवेज वॉन्ट कि वो आपको एडवाइस दे, वो आपको बताए, क्योंकि उनके लिए वो जो बोले सही, जो सोचे सही। हाँ, इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ है जब इट वेन इट कम्स टू लाइक बॉडी इमेज और विल दे बी एबल टू सेटिस्फाई यू, बट वेन इट कम्स टू एडवाइजेज एंड चीज़ें, इनको लगता है ये तो बहुत सही है, मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम अपना देखो, लाइक दैट, ओके। तो वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, वेरी स्ट्रिक्ट विथ अदर्स, वेरी स्ट्रिक्ट इन कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन थोड़ी बुरी हो सकती है, हार्श हो सकती है, सीधा मुँह पर हो सकता है इनका सब कुछ। अगेन थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ, ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, कोई टाइप के स्कॉलर हो सकते हैं अपने टाइम में, अच्छा पढ़ते होंगे या फिर कुछ, तो सच में नॉलेज का यहाँ पे चीज़ आ रही है। उनको कोई तो चीज़ पे अपने बहुत सारा प्राइड है, और फिर साथ में इनसिक्योरिटी आती है, जब उनको कुछ भी अच्छा मिलता है तो उनको लगता है कि उनसे हो ही नहीं पाएगा, बट जहाँ पे एडवाइस देने की बात आती है, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की बात आती है, इंसान को लगता है कि आगे वाला कम्प्लीटली इनवैलिड है और वो बहुत सही बोल रहे हैं, वो बहुत सही कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आपका इनका एक कनेक्शन है, आपने बोला कि लेट्स डू दिस, दे आर लाइक नहीं, आपने बोला क्यों, बोलते कि तुम्हें समझ नहीं है, मेरे को पता है मेरे लिए क्या सही है, एंड आई नो दिस इज़ नॉट इट। आपने बोला कि येस लेट्स ट्राई इट, बिना देखे क्या कर सकते हैं, वो बोलते नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पता है, मुझे मेरा सच पता है, और मेरे लिए यही सही है। मतलब इस इंसान का दिमाग टर्न कर पाना या इन्हें बुद्धि दे पाना, क्योंकि इनको तो लगता है इनके पास वो चीज़ है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर माइंड, दे नो कि वो जो कर रहे हैं ना वो चीज़ इट्स लाइक परफेक्ट फॉर देम। उनको लगता है ये जो चीज़ों से भागना, डेस्टिनी से भागना, जो चीज़ उनको पता है डेस्टिनी है, होनी ही होनी है, दे आर लाइक नहीं हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, तो दे जस्ट वॉन्ट टू एग्जिट डेस्टिनी, बट डेस्टिनी विल लीव देम, क्या नहीं, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने स्मार्टनेस को एक हद तक रखो, और जहाँ पे चीज़ें
चीज़ों को जाने देना है, फ्लो होने देना है, वहाँ पे फ्लो होने दो। ये पर्सन में काफ़ी एक ये एयर साइन हो सकते हैं, लीब्रा, लीब्रा भी आ रहा है एयर साइन, ठीक है, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, थोड़े नार्सिसिस्टिक पर्सन है, इनसिक्योर तो उससे भी ज़्यादा है, नार्सिसिस्टिक के साथ इनसिक्योर कैसे बैठता है, एक मिनट रुको, दे हैव ड्यूअल पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस दे आर इनसिक्योर, बट इन टर्म्स ऑफ बुद्धि नॉलेज, सो आई गॉट इट, ओके, मन और बुद्धि की लड़ाई, ठीक है, मन में इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है, बुद्धि में दे आर लाइक आई नो माय लाइफ, मेरे को पता है मेरे लिए चीज़ सही है, तो हमेशा वो अपनी डेस्टिनी से, किस्मत से, अच्छी चीज़ों से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पहले तो लगता नहीं वो ये डिज़र्व करते या फिर ये उनके लिए सही है, उनको लगता है कि उनको हर चीज़ कंट्रोल में करना है, चाहे वो इंसान को कंट्रोल करना हो, उनका दिमाग कंट्रोल करना हो, उनको डोमिनेट करना हो, वो ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप में, ठीक है, उनको इमोशनल इंटेलिजेंट रहना काफ़ी पसंद है, अपने इमोशंस को अपने पैरों के नीचे रखना बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चीज़ सही है, और जिस इंसान को लगता है कि उनके एथिक्स वैल्यूज सही है वो बदलेगा नहीं, तो नहीं, ठीक है, उनको लगता है कि इमोशनल फून बढ़ के कुछ नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है, तो दैट इज़ वाई दे ऑलवेज लिसन टू देयर माइंड, दैट इज़ वाई कभी भी इमोशनल टच उनका रहा नहीं है चीज़ों में, क्योंकि हमेशा इस इंसान ने अपनी बुद्धि की सुनी है, और इसकी बुद्धि ने इसे बुद्धू बना दिया है, पूरा लिटरली लिख के ले लो, पाइल टू के पर्सन की बुद्धि ने उन्हें बुद्धू बना दिया, और यही इनका डार्क साइड है, क्योंकि बुद्धि उनका खेल खेल रही, उनकी लाइफ चला रही है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा अपना दिमाग, उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इक्वली हार्ट और दिमाग को साथ लेके चलना होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पाइल टू आपके पर्सन की बुद्धि उन्हें बुद्धू बना रही है, लिखो कमेंट सेक्शन में, बुद्धि उन्हें बुद्धू बना रही है, क्योंकि इमोशन से भागना, डेस्टिनी से भागना, अच्छी चीज़ों से भागना, अपने रिवॉर्ड से भागना, भाई रिवॉर्ड से कौन भागता है, उस चीज़ से कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ कभी एकदम मूव नहीं कर पाएगी अच्छी पेस पे, ठीक है, तो दे आर जस्ट दे फील लाइक इमोशनल फूल बनना फुलिश है, तो बुद्धि का बुद्धू बनना क्या है, इमोशनल फूल बनना फुलिश है, तो बुद्धि का बुद्धू भी तो बन रहे हो आप, बुद्धि आपको बोल रही है जो वैसे चल रहे हो, और जो दिल बोल रहा है उसको कट 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 कर रहे होंगे, ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी, हाउ विल यू लिव लाइफ लाइक दिस, दे कैन नॉट डील विद अ स्ट्रांग वुमेन, इफ यू आर समवन जो बहुत कॉन्फिडेंट है, फायरी है, हॉट है, सेक्सी है, बोल्ड है, फनी है, दिस पर्सन इज रनिंग फ्रॉम यू, दे कैन नॉट हैंडल योर एनर्जी because you are fun, okay, you are fun, they like it, but again फिर ये वाला factor आ जाता है, it is like I want to run, this is too much for me, I feel insecure, ये person इतना अच्छा है, इतना best है, तो मैं क्या हूँ, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, तो वो freak out आ जाता है इनमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा freak out हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपको intelligent नहीं मानते, they know कि you are very bold, fiery, beautiful, hot, sexy, and that they are not, so they feel underconfident, but when it comes to mind they are like, you don't know how smart I am, I'm so focused on my goals, mujhe tum, you are a distraction, you are like, you, unko sab pata hai, they are like, they feel, I don't know, they just know ki unhe kya karna hai, unhe kaise karna hai, this person also बहुत बच्चा इनके अंदर खुद का है, मतलब खुद का बच्चा के, सॉरी, इस पर्सन के अंदर खुद एक बहुत अच्छा बच्चा है, जो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत एडवेंचरस है, रिस्क लेना चाहता है, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ होने नहीं देते, क्यों नहीं होने देते, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी इनसिक्योर, तो सबको लगता है कि, सब बोलते हैं ना जो
आई वॉन्ट टू बी इन अ सीरियस कनेक्शन, आई वॉन्ट टू हैव समवन जो सीरियस हो, और मैं इसलिए कैजुअल या फिर गो विद द फ्लो एनर्जी में नहीं जाता हूँ. लेकिन वो ये नहीं समझते कि यू आर डीलिंग विद द फियर ऑफ रिजेक्शन. आप क्यों सीरियस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करते हैं? क्योंकि आप रिजेक्शन झेल नहीं सकते. यू कैन नॉट गो विद द फ्लो, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो रिक्वायर्स वॉट? कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी है. गो विद द फ्लो, हैप्पी फ्लोई एनर्जी में नहीं जा सकते जितना मन करता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है. इनकी डार्क साइड इनकी खुद की अंदर का एक जंग है जो ये प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे लोगों पे. ठीक है, मन और बुद्धि की लड़ाई बहुत ज़्यादा डार्कनेस क्रिएट कर रही है इनके अंदर. इट इज़ लाइक इमोशनली दे फील लाइक दे आर नथिंग, दे कैन नॉट प्रोवाइड एनीथिंग टू एनी वन. वो कुछ नहीं दे सकते. वो आप बोर हो जाओगे उनके साथ, आप सो जाओगे. मतलब आप यू विल बी लाइक, उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी बातें करके आपको बोर कर देंगे, या फिर दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इन दैट एरिया. बट वेन इट कम्स टू समझदारी, दे फील कि दे आर इन द राइट ट्रैक. ठीक है, और आप हो डिस्ट्रैक्शन, आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप उन्हें गलत बोल रहे हो कि आप बेवकूफ़ हो. बट वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गोइंग विद द फ्लो. ठीक है, बहुत कंट्रोल करना, लाइक मुझे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है. ये इंसान को कंट्रोल करना है, ये सिचुएशन को कंट्रोल करना है. सब कुछ कंट्रोल करने की एनर्जी ने उनकी लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है. ठीक है, क्या बोल रही हूँ यार आज मैं विद द बुद्धि एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत क्रेजी बोल रही हूँ आज मैं. ठीक है, तो क्या बोला था मैंने अभी, कुछ बहुत अच्छा बोला था. हाँ, कंट्रोल करने के चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल कर दी है. ठीक है, वाओ, सब सोचती भी नहीं हूँ मैं, कैसे बोलती हूँ. व्हाट एल्स इज द डार्क साइड? रुको, मुझे थोड़ा और कुछ आ रहा है. सोचने में मतलब बहुत माहिर है, करने में कुछ नहीं है. इनकी डार्क साइड आपका तो बंटाधार कर रही है, लेकिन आपका तो लॉस कर रही है इनका डार्क साइड, लेकिन कहीं ना कहीं अपना खुद का ज्यादा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कोई भी अच्छी चीज़. ये एक्सेप्ट, इनका हार्ट चक्रा बंद है ना, इसीलिए. ओके, देयर हार्ट चक्रा इज क्लोज, इसलिए नथिंग गुड इज कमिंग टूवर्ड्स देम. चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, चाहे वो करियर क्यों ना हो, पैसे क्यों ना हो, वो क्योंकि वो लेते ही नहीं है. लाइक मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, लाइक टेक इट, एंड यू आर लाइक आई डोंट डिजर्व इट. सो अब क्या करेगा अगला इंसान, क्या बोलेगा? वॉट कैन वी से इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू टेक इट? देन ओके, गो. What else is the dark side? तो उनका डार्क साइड ये रहा है हमेशा से कि उनके लिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और उनका ये पर्सपेक्टिव भगवान खुद ज़मीन पे आके भी नहीं बदल सकते. तो ये स्टबननेस होना अच्छी चीज़ नहीं है. दूसरी चीज़ ये समझना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भगवान बन जाते हो. इट इज़ लाइक यू आर जस्ट बीइंग स्टूपिड बिकॉज ऑफ योर ओन फियर्स. तुम ये चीज़ नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए वो सही है. तुम ये चीज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम दूसरी चीज़ नहीं कर सकते. भाई तुम नहीं कर सकते हो दूसरी, तुम्हें हिम्मत ही नहीं है दूसरी चीज़ करने की. And you say that you are making the right choice when then that is the only choice that you have, because you do not want to explore, you do not want to take a risk, you want to be safe, and that is not a good choice, that is a weak choice. So they need to shift their perception. They feel like jo bhi wo kar rahe hain abhi is the best for them, but it is actually a very darpok energy that is coming, very fearful energy. ठीक है, तो इट इज़ नॉट आउट ऑफ एनी ब्रेवनेस, इट इज आउट ऑफ स्टुपिडिटी. सिंपल. व्हाट एल्स? ओके, जो फनी चीज है यहाँ पे ओल्ड रीडिंग में, द डार्क साइड इज लाइक दे फील कि दे आर इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट, बट दे आर इमोशनली अ फूल. उनको लगता है इमोशंस कंट्रोल करने से, अपनी चाह, अपना सेल्फ कंट्रोल लाने से, सैक्रिफाइस करने से उनको कुछ तो रिवॉर्ड हासिल होगा. मतलब लाइक देर वे ऑफ थिंकिंग इज सो रॉन्ग, और उनको लगता है वो इतना सही है, और वो चेंज भी नहीं करना चाहते वो चीज़ को. दैट इज़ लाइक यू आर अ क्लोज्ड, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये एक ओपन डिब्बा है, इसके अंदर मैं ये कार्ड
डाल सकती हूँ। ठीक है, अब ये डिब्बा बंद हो गया, मैं इसके अंदर ये नहीं डाल सकती। वैसे ही नॉलेज आप इसके अंदर डाल सकते हो, बट जो दिमाग बंद है उसके अंदर आप क्या डालोगे? कुछ नहीं डाल सकते, वैसे खाली का खाली पड़ा रहेगा। इट इज़ लाइक नो यूज, इट यू आर लाइक अ एम्प्टी बॉक्स, यू आर लाइक अ शरीर विद नो हार्ट, यू आर लाइक लिविंग बट नॉट लिविंग, यू आर लाइक सो फियरफुल। आप अपनी फियर से अपनी ज़िंदगी झंड बना रहे हो, आपको पता भी नहीं है। यू आर नॉट, बोलते ना, यू आर नॉट ओपन, यू हैव ऑलवेज इन लाइफ। आपको अपने आप को ऐसे रखना है ताकि आपके अंदर जो नॉलेज है वो जाती जाए। ठीक है, उन्होंने कैसे रखा है? अपने आप को ऐसे रखा है, आई विल नॉट लिसन, आई नो वॉट इज़ राइट फॉर मी, तो वॉट इज़ राइट फॉर यू डू डू इट, यू विल ऑलवेज बी एम्प्टी। आप हमेशा अकेले रहोगे क्योंकि आप अलाउ ही नहीं कर रहे लोगों को, ब्लेसिंग्स को अपने पास आने के लिए, और फिर कंप्लेन करते हो लोगों को अलग करने के बाद, कंप्लेन करते हो कि मैं इतना अकेला क्यों, बिकॉज ये आप खाली हो, यू आर लाइक एन एम्प्टी बॉक्स, देर इज़ नथिंग इन साइड यू। वेन देर इज़ नो हार्ट, देर इज़ नो हार्ट बीट, यू आर नथिंग, यू डाई। जब दिल नहीं होगा तो मर जाओगे। ये खाली बर्तन है सिर्फ, जो ऐसे कड़कड़ कर रहा है। अब मैं देखती हूँ इसके अंदर मैंने दो पर्चियाँ कौन सी डाली, क्योंकि उसमें जोड़िया का साइन लिखा है। वर्गो, आपके पर्सन एक वर्गो हो सकते हैं, वर्गो ने तो एड साइन हो सकते हैं, या तो आप एक वर्गो हो सकते हो या एड साइन हो सकते हो, दोनों में से एक इंसान है। स्मेल तो बहुत अच्छी है। व्हाट एल्स? लियो, मुझे कि मैंने क्या बोला था, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लियो वाला एनर्जी आ रहा है। लियो सन साइन हो सकते हो, या तो आप हो सकते हो या तो वो हो सकते हैं। सन मून राइजिंग हो सकता है, ठीक है, आप दोनों का में से कोई तो, पर ये ज़रूर आपका स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है आपके चार्ट में, या तो आपके या तो इनके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लियो वर्गो, वर्गो दिमाग से खेलता है और लियो तो बस गुस्से से। ईदर वेज, व्हाट एल्स? तो ये पर्सन को लगता है कि वो इमोशनली काफ़ी सॉर्टेड है, मतलब उनका जो भी उन्हें लगता है ना, जो भी वो जो भी कर रहे हैं ना अभी, उन सब चीज़ों का ऑपोजिट उन्हें करना है। दे आर लिविंग देयर डार्क साइड। दे आर, हम कैसे एक लाइट और डार्क, देखो एक लाइट और एक डार्क होता है, हमको डार्कनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये इंसान ने अपनी पूरी लाइफ डार्कनेस में काट दी है, वो डार्कनेस को लेते लेते उन्होंने लाइट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अब तक सब्जेक्ट पे, तो वो डार्कनेस जी रहे हैं। तो वो आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो ये डार्कनेस लेके आएंगे। नाउ इट इज़ योर चॉइस, डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, योर चॉइस। डू यू, कैन यू डील विथ समवन लाइक दिस, और डू यू वांट टू डील विथ समवन लाइक दिस? एक और एक मैसेज आ रहा है मुझे, कोई लोग पूछ रहे हैं अगर नो सेपरेशन जोन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही तो कब तक ठीक होगी, कब तक चीज़ें अच्छी होगी, तो मुझे वो भी देखने का मैसेज आ रहा है। व्हेन विल थिंग्स बी फाइन बिटवीन दिस पर्सन एंड द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो? मुझे लग रहा है कि कोई लोग सच में पूछ रहे हैं कि यार ये चीज़ कब ठीक होगी, मैं परेशान हो गई हूँ या हो गया हूँ, तो ये चीज़ होगी ठीक। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो ये चीज़ कब ठीक होगी इन दोनों के बीच में? नॉट द राइट टाइम, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए बिल्कुल सही नहीं है टाइम। फिर से देख लो, नॉट द राइट टाइम आया है, फिर से बोलो कब ठीक होगी, फिर थोड़ा सा, अगर अभी नहीं तो कब? फिर से बहुत सारे कार्ड्स आए, मुझे सही से टाइम बता दो प्लीज एंजल्स। अभी के लिए तो नहीं, अगर आप चाहते हो कि अभी बस अभी हो जाए तो नहीं, क्योंकि ये पर्सन अगर अभी आपकी लाइफ में, ये पर्सन को दूर रखा गया है क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको डार्कनेस देने वाला है। अगर आपको डार्कनेस चाहिए तो इनवाइट विद ओपन आर्म्स, टेक इट, इट इज़ योर प्रोडक्ट, ले लो। पर अगर आपको ये डार्कनेस से दूर रखा जा रहा है क्योंकि अभी ये सही वक्त नहीं, अगर आप दोनों अभी साथ में आ गए तो ये इंसान अपना डार्कनेस लेके आपकी ज़िंदगी में आएगा और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की बाट लगेगी। तो आप देखो कि जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, डिवाइन अच्छे के लिए ही आप दोनों को सेपरेशन में डालते हैं। You are going too fast. आप अपने दिमाग में कंट्रोल करो। You are going too fast in this connection. ठीक है, मेरे को हो सकता है कि फेयरली न्यू कनेक्शन हो, न्यू नहीं है तो बहुत जल्दी आपने बहुत कुछ सोच लिया हो। इतना मत जल्दी गाड़ी बढ़ाओ अपनी आगे, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये चीज़
काफ़ी ये चीज़ की काफ़ी सच्चाई आपको पता नहीं है अभी तक, ये पर्सन की काफ़ी सच्चाई आपको पता नहीं है, वो धीरे धीरे डिस्क्लोज होगी. तो जस्ट टेक योर टाइम, बिकॉज द रीज़न वाई यू आर नॉट टुगेदर एनी मोर इज बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग डार्कनेस. अगर आप साथ में हो भी तो नॉट द राइट टाइम. और आपका फिर भी क्वेश्चन है अगर कि कब, तो ये है आंसर आपका, जब हीलिंग आएगी सिचुएशन में, व्हेन दिस पर्सन हील्स द डार्क साइड. और कब, व्हेन लेसन्स आर लर्न्ड, जब चीज़ें सीखेगा ये इंसान, या जब चीज़ें सीखोगे आप. हो सकता है ये कार्मिक कनेक्शन हो, कार्मिक नहीं तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन लग रहा है मुझे, आप दोनों कार्मिक कनेक्शन हो सकते हो. ओके डन, दैट वॉज इट. आई विल स्टिल पुल आउट मोर कार्ड्स कि देखते हैं और क्या, तो देखते हैं और क्या है डार्कनेस इस पर्सन के अंदर, क्या है उनका डार्क साइड. साबोटाज करना, तो पूरी रीडिंग में एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो तो है ही, लेकिन वो क्यों करते हैं, वो करते हैं आउट ऑफ इनसिक्योरिटी. वो चीज़ें जो मतलब जो आती है उनके तरफ वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो साबोटाज करते हैं, सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है. वो सेफ रहना प्रिफर करते हैं, और वो सेफ्टी में आपको कभी भी एक्सेलेंस नहीं मिलेगा. सेफ रह के आपको कभी चीज़ें जो आउट ऑफ मतलब वंडरफुल चीज़ है वो आपको हासिल नहीं होगी. तो ये काफ़ी वंडरफुल चीज़ें, काफ़ी उनकी ब्लेसिंग्स, काफ़ी अच्छी चीज़ें वो नहीं लेते. लाइक लिटरली वो आपको डोर स्टेप पर आके आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, और आप लिटरली बोल रहे हो कि मैं अभी सेफ रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़ नहीं. तो कोई लोग होते हैं ना, जैसे कि कुछ भी नया भी होता है उनकी लाइफ में, तो वो चेंज से बहुत ज़्यादा फियर करते हैं, डरते हैं. तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है एक गुड ईयर से, वो ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो बस यू नो सेफ रहना चाहते हैं, ठीक है. और इस वजह से वो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें खो देते हैं अपने लाइफ में, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं. ये पर्सन को थोड़ा आगे जाके मुझे लगता है कि पैसों की भी दिक्कत आ सकती है. हाँ, तो कहीं आगे जाके इनको पैसों की भी दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़, मदर की हेल्थ को इशू हो सकता है, किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, उनकी खुद की हेल्थ ख़राब हो सकती है. उनको ये चीज़ों की वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि आप जब इमोशंस अपने अंदर इतने भर भर के रखते हो, उनका हार्ट क्लोज है स्पेसिफिकली, तो काफ़ी सारी बुरी चीज़ें वो इन्वाइट करते हैं. और काफ़ी वो अभी जो लाइफ जी रहे हैं वो फुल डार्कनेस में जी रहे हैं. तो जैसे कि मैंने कहा कि हम इंसानों में एक लाइट साइड होता है और एक डार्क साइड होता है, हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है, और स्पेसिफिकली लाइट को बढ़ाना है और डार्कनेस को कम करना है. वो हम कैसे करेंगे, हीलिंग से. तो ये पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कहीं ना कहीं आपका उनके साथ एक कनेक्शन जो उनको हील कर सकता है, वो उस चीज़ से भी भागेंगे, काफ़ी भागेंगे. एक चेजर की एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा, और इसको रनर की एनर्जी में रहना पड़ेगा, बट दैट इज़ योर चॉइस. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके पर्सनल स्ट्रगल, मुझे लग रहा है कि उनका पर्सनल स्ट्रगल, ये जो पर्सपेक्टिव है ना उनका, ये चीज़ उनको काफ़ी काफ़ी समय से ले डूब रहा है. एंड दिस नीड्स टू चेंज, इफ दिस डज नॉट चेंज देन काफ़ी मुसीबत हो जाएगी इनके लिए. हाउ टू मदर योर सेल्फ, हो सकता है कि इस पर्सन ने दे आर टू हार्ड ऑन themselves, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हार्श है अपने ऊपर, जैसे कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. तो फिर दे वॉन्ट दैट मदर वाली फीलिंग, दे वॉन्ट समवन जो उनके लिए एज अ मदर रहे, ठीक है. हो सकता है इनकी मदर के साथ कुछ इशू हो सकता है, या फिर मदर के साथ इशू नहीं है तो ये अपने आप को नर्चर करने में गलत जा रहे हैं, ठीक है. दे आर लाइक फीलिंग लाइक अ डेविल, एक बीस्ट, जो ब्यूटिफुल नहीं है, जो खूबसूरत नहीं है, जो अच्छा नहीं है. उनको डार्क साइड में रह रहे कि वो अपने आप को ही एज अ डार्क पर्सन देखने लग गए, और वो अपनी अच्छाई नहीं देख पा रहे, वो अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे, पैम्पर नहीं कर पा रहे, वो अपनी अंदर की अच्छी चीज़ें नहीं देख पा रहे. इनको अपने लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपके तक आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर भी एक अच्छे जोन में हो जहाँ पे आपको अपनी चीज़ें पता है, लेकिन ये पर्सन को अपने साथ जस्टिस करने की बहुत ज़रूरत है. जैसे कि मैंने कहा कि एक कर्म होता है जो दूसरों के साथ किया जाता है, और एक कर्म होता है जो अपनी आत्मा के साथ किया जाता है. तो इस पर्सन की आत्मा बहुत स्ट्रगल कर रही है, और ये इनका कर्म है, क्योंकि ये अपने आप को नर्चर नहीं कर रहे, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, अपने आप को
गिरा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इतना क्रिटिसाइज करने से क्या होगा कि आपकी आत्मा अंदर से डेड हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी जिंदगी वो देख सकते हैं आगे जाके। अगर उन्होंने ये नर्चरिंग और ये हैप्पीनेस अपने आप को नहीं दिया, तो आपकी तरफ आने से भी पहले इस पर्सन की अपनी पर्सनल जर्नी है जो इनको कवर करनी है, जो इनका डार्क साइड है इनको हील करना है। और हीलिंग का एक तरीका आप भी हो, एक जरिया आप भी हो, लेकिन ये पर्सन वो एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे ये पर्सन से आप रिलेशनशिप में क्यों ना हो, मैं नहीं बोल रही कि सेपरेशन ही, सेपरेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर हो भी साथ में या फिर फ्रेंड भी हो सकता है ये आपका, पर ये चीज़ है दे विल रन फ्रॉम यू, दे विल सैबोटाज दिस कनेक्शन अलॉट। जो भी है, अच्छी चीज़ें सैबोटाज करने की ये इनकी एक फितरत रही है, यही इनका एक डार्क साइड है। ओके, अच्छी चीज़ें ना ले पाना और फिर अपनी किस्मत को ब्लेम करना कि यू नो व्हाई इज दिस लाइक दिस। सन फिर से स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा, सच में ये लियो हो सकते हैं, या फिर इनके चार्ट में लियो के प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं, या फिर इनका सूर्य, ओके गॉट इट, इनका सूर्य नीच हो सकता है, या फिर इनको सन सूर्य देवता की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है, सूर्य को पानी देना बहुत ज़रूरी है, जिससे इनका ये डार्कनेस, क्योंकि आप देखो अगर काली चीज़ डार्कनेस को कोई चीज़ हटा सकती है तो वो सन हटा सकता है ब्राइटनेस। इनको अपनी लाइफ में जो लाइट है ना उस चीज़ को फील करने की ज़रूरत है, वो अभी बहुत डार्कनेस में चले गए हैं। लाइक वो जो बैलेंस है ना लाइफ का, डार्कनेस और लाइट का, ये मिस कर चुके हैं, ये पूरे डार्कनेस में चले गए हैं। तो इनको अपनी लाइफ की जो लाइट है ना वो एक्सप्लोर करनी है, उनको सूर्य देवता की आराधना हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो। सन इज रिलेटेड टू लाइफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, तो कहीं ना कहीं इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, लाइफ एनर्जी इनकी नीचे चली जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, और कोई इंसान इतना डार्कनेस में चला जाता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको बोल भी नहीं सकती, इतने स्ट्रांग मैसेजेस, इट विल फील लाइक अ पर्सनल रीडिंग टू योर पर्सन। अगर आपके पर्सन ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर ये बोलेंगे कि कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट मेरे अंदर है, अगर वो एक्सेप्ट करे तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इनको पता है कि ये सही है। सूर्य देवता की आराधना, लाइट का इंट्रोडक्शन उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से सन विल डेफिनेटली हेल्प देम। सूर्य देवता रेमेडीज इफ यू कैन डू इट डेफिनेटली, मतलब इफ यू आर पर्सन ऑब्वियसली। टू मच डार्कनेस, बहुत अंदर डार्कनेस के चले गए हैं, वो लाइफ जो अभी करेंटली जी रहे हैं वो डार्कनेस में ही जी रहे हैं, अपने डार्क हैबिट से ही जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन टू द सन, इंट्रोडक्शन टू द लाइट, एक अच्छाई जो सबके अंदर होती है उनको अपने अंदर वो वापस से लेके आनी है। बहुत ज्यादा ही अंदर चले गए डार्कनेस के, वही बात है कि यू नो यू हैव टू सी लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई मीन देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन दिस पर्सन, और एल्स इनकी लेट इट बी योर कनेक्शन, छोड़ो कनेक्शन का। आई मीन इनका पर्सनल लाइफ इतना झंड में चला जाएगा, मैं बोल भी नहीं सकती, इफ दे कंटिन्यू इट लाइक दिस। ओके, दे नीड टू बी कॉल्ड आउट कि यू आर इनसिक्योर, यू नीड टू बी मोर सिक्योर इन योर सेल्फ, यू आर गुड लुकिंग, यू आर शार्प, यू आर दिस, यू आर दैट। ईगोइस्टिक मैनर में तो आप पूरा फील कर रहे हो अपने आप को, जो डेविल की एनर्जी है वो पूरी फील कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन को, मैनिपुलेट कर रहे हो, गैसलाइट कर रहे हो, लेकिन अपने ऊपर, अपने अपीयरेंस के ऊपर इतना जज क्यों, अपने हरकतों पे इतना जज क्यों, करने के बाद जज क्यों कर रहे हो। अगेन बहुत सारी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना अगर रेजोनेट होती है, मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, उससे नोटिफिकेशन आएगी आपको। और यस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू।